विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते उठी चिंगारी से विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग की लपटों ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया, जिसे देख आसपास के लोगों में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मऊरानीपुर के गुरसराय रोड पर स्थित विद्युत पावर हाउस में आज दोपहर अचानक शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी से पावर हाउस में रखे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। कुछ ही देर में ट्रांसफार्मर आग की लपटों से घिर गया। आग की लपटों को देख आसपास के लोगों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड व कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगी थी यहाँ पे। हम लोगों को सरकारी टेलीफोन सीओजी पर सूचना मिली, तो उस सूचना के आधार पर दोनों गाड़ियां, फायर की दोनों गाड़ियां लेकर आए, जिसमें देखा कि बड़ा ट्रांसफार्मर और कई छोटे ट्रांसफार्मर तेजी से जल रहे थे। उन पर फायर सर्विस में उपलब्ध फोम होता है, जिसे डाल के हमने पूर्ण रूप से आग को बुझाया। कितने लगभग कितने टाइम में आग बुझा पाए आप लोग? करीब 20-25 मिनट। जब अधिशासी अभियंता विद्युत से इस बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर में आग अचानक लगी थी, जिसकी वजह से नगर की सप्लाई बाधित है। घटना के बाद तत्काल प्रपोजल भेजा गया है, जल्द ही नगर की विद्युत व्यवस्था सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। जो है ये फॉल्ट की सूचना मिली, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इंटरनल फॉल्ट है ट्रांसफार्मर का, इसको दिखवाया है और प्रपोजल बना के भेज रहे हैं कि भाई जो है नया ट्रांसफार्मर शीघ्र भिजवाया जाए। ठीक। अच्छा, इसमें जो ट्रांसफार्मर में आग लगी, लगभग ये कब तक ठीक हुआ, कितने दिन बाधित रहेगी बिजली? अब ये हमारा प्रयास रहेगा कि ट्रांसफार्मर जल्दी से आ जाए और जैसे ही आ जाए उसकी टेस्टिंग करा करके नया चालू करवाया जाएगा। आग अचानक फॉल्ट कैसे हो गया? अब जो भी है तकनीकी जो है वो भी जाँच किया जाएगा। ठीक है, इंटरनल फॉल्ट बता रहे हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड आई थी? मौके पर फायर ब्रिगेड जो है आए, लेकिन बहुत देर आई। समय मऊरानीपुर से रवि परिवार की रिपोर्ट।